नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। एक वाकया आया है सामने रियासी के, जो मोहर के बुद्धल इलाके का, जहां पर कल एक मीडिया के माध्यम से खबर आ रही थी कि वह एक पत्रकार को वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों द्वारा पीटा गया है। अब ये वीडियो क्या बयान करते हैं, सबसे पहले ये वीडियो आप तक लाना चाहेंगे, उसके बाद बताएंगे आखिर पूरी आखिर बात क्या है। ये आप वीडियो पर नज़र डालिए। देखो सर, ये रेता हमने लाया यहाँ पे और बंदा सुबह हमारी औरतें काम करने आई, बंदे ने इधर देवता उखाड़ रहा था और बंदा हमने मौके पे पकड़ दिया। ये सामने हमारे बंदे सब काम करने के लिए आए थे। ये बंदा भी पुलिस वाले के साथ कैसे हाथ प्लासी कर रहा है, पुलिस वाले को पकड़ दिया है। और हम चाहते हैं मीडिया वाले, हम चाहते हैं कि मीडिया वाले यहाँ आए और कोई नहीं आपको मारेगा। हम चाहते हैं यहाँ मीडिया वाले आना चाहिए। और ये बंदा चोर है, नशे करता है ये। ये भाग जाएगा सर, कहीं नहीं जाएगा सर, बंदा नहीं भागना चाहिए। कौन है हुसैन? हुसैन बुद्धल का पर खोलेंगे नहीं जब तक इसको अभी ये पता नहीं है। आपको पता है कि कर्म कथा में जो जिम्मेदार है वो हमारे परदादाओं की तरफ से, ठीक? तो आज आपको ये वीडियो बताए, ये वीडियो उसी व्यक्ति का है जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं। और ये पत्रकार के इल्ज़ाम थे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर उन पर हमला किया कि क्योंकि वो जानते थे वहाँ लकड़ी की चोरी हो रही है। पर वहीं दूसरी तरफ हमारे पास एक लेटर भी है, वो लेटर भी शुरू में हमने लगाया है। और जहाँ पर हमने बात की वहाँ के जो लोग थे स्थानीय, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि ऐसा कोई भी वाक्या वहाँ पर नहीं आया कि जिसके माध्यम से ये साबित हो कि वहाँ पर चोरी की जा रही थी लकड़ी की। सवाल यह कि वहाँ की महिलाओं ने आखिर उस पत्रकार को क्यों पीटा, ये आप साफ तस्वीरों में देख रहे हैं। और वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो कर्मचारी भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके माध्यम से उन महिलाओं ने पीटा। अब जब वहाँ के स्थानीय लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक देवस्थान है, उस देवस्थान पर उन महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसके चलते वो महिलाएं रोष में आकर उस पत्रकार को उन्होंने पीटा। आपने देखा किस कदर तस्वीरों में, वीडियोस में उस पत्रकार के हाथ बांधे गए, उस पत्रकार को उसके कपड़े भी पकड़े गए, फाड़ने का प्रयास किया गया, और किस तरह से महिलाएं गुस्से में थी। ये ज़रूर कहेंगे कि अगर कुछ भी ऐसा हो तो तुरंत पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को कंप्लेन होनी चाहिए। इस तरह से कानून को कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता। पर जहाँ पर उस पत्रकार की बात करें कि वो पत्रकार का ये कहना था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन पर हमला किया है, वो कहीं ना कहीं हम ये ज़रूर कहेंगे, क्योंकि तथ्य को सामने लाना हमारी एक ड्यूटी बनती है, चाहे वो एक सरकारी अधिकारी हो, चाहे वो एक आम जनता, चाहे वो पत्रकार हो। जहाँ पर हमारे पत्रकार भाई सही होंगे हम उनके साथ हैं, अगर जहाँ पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे त्रुटियाँ होंगी वो भी हम सामने लाने का प्रयास करते हैं। पर सवाल ये है कि जो हमारे पास तथ्य है, हम तथ्य के आधार पर बात करें, ये वीडियो क्या दर्शाता है, हम जनता पर भी छोड़ते कि जनता अपने जो सुझाव है बयान ज़रूर दीजिए कि जो पत्रकार के द्वारा एक मीडिया उसको ये कहा गया, उनके द्वारा अपनी बाइट दी गई कि मुझे मारा गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर। पर वहीं दूसरी तरफ ये जो विजुअल है ये कुछ और बयान चीज़ें बयान कर रहे हैं। वहाँ की महिलाएँ, स्थानीय महिलाएँ, वो देवस्थान पर उन्होंने ये कहा कि वहाँ पर जो थी कि उन्होंने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया उस देवस्थान पर, उसी के चलते उस पत्रकार की, जो अपने आप को पत्रकार बता रहे हैं, उनकी वहाँ पर पिटाई हुई और उनको वहाँ पर बांधा भी गया। आपने साफ तौर पर विजुअल पर देखा। अब देखना ये है कि आखिर क्या उनके खिलाफ, सुनने में ये सूत्रों के आधार पर ये भी हमें पता चला कि मोहर पुलिस में उनकी वहाँ पर कंप्लेन भी दर्ज हुई है।
फिलहाल वहाँ के SDPO से बात करने की हमने कोशिश की, उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं पिक किया। जो ही कोई नया अपडेट है वो भी हमने अपनी जनता के समक्ष ज़रूर रखेंगे। फिलहाल ये जो पूरी कहानी हमने आपके तक रखी और विद विजुअल के साथ रखी, अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ी रहे हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।